चैनल पर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आई दोस्तों, पंजाब में टीचर्स से जुड़ी जो टीचर्स के तबादले हैं ऑनलाइन उनकी वेरिफिकेशन होगी। अब तबादलों के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया। 7 अप्रैल तक होगी प्रक्रिया जो पूरी ऑनलाइन की, उसके बाद शिक्षक जिसकी जहां ड्यूटी आएगी वहां जाकर करेंगे ज्वाइन। डीएम व बीएम पदों पर काम कर रहे शिक्षक स्कूलों में जाकर पढ़ाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। अब पढ़ो पंजाब पढ़ाओ जो पंजाब प्रोजेक्ट के तहत डीएम और बीएम जो काम कर रहे हैं उनको शिक्षकों को अपने पैतृक स्कूलों में भेजने का फैसला किया है। वहीं उक्त शिक्षकों की जगह काम कर रहे शिक्षा प्रोवाइडरों को भी उनके स्कूलों में भेजा जाएगा। इससे पहले जो है मास मीडिया के जो पद थे उनको ख़त्म कर जो तैनात शिक्षकों को जो ना स्कूलों में दोस्तों लगाया गया था। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के लिए कार्रवाई तेज़ कर दी है। जी विभाग ने तय किया कि जिन शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था अब उनके रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन स्कूल प्रिंसिपल व डीईओ करेंगे। यह प्रक्रिया 7 अप्रैल तक चलेगी। उक्त सारे जो तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड को अप्रूव करेंगे। जिन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है वहाँ यहाँ पर काम देख रहे सीनियर अध्यापक इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी की तरफ से भी जारी आदेश में कहा गया कि उचित नियमों का तरीकों से पालन किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी साल 2019 में बनाई गई थी, इसमें कंप्यूटर शिक्षकों को भी शामिल किया गया था। इसमें कई बार संशोधन भी किए गए। हालांकि इस बार सरकार ने योजना बनाई है कि नए सेशन के शुरू होने तक जो सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती है वो कर दी जाएगी। इससे जो ना दोस्तों ऑनलाइन तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो ना शुरू हो गई है। लेकिन आखिर में पोर्टल के हैंग होने के बाद इस काम में दिक्कत आ गई और साथ ही जो ना कई शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से संपर्क किया, जिसके बाद समय अवधि 2 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अब यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई और पंजाब में करीबन 20,000 सरकारी स्कूल हैं, इनमें 25 लाख से अधिक छात्र जो ना पढ़ाई कर रहे हैं। हालाँकि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहीं उम्मीद है कि जल्द ही स्कूलों को टीचर मुहैया कराए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसके तहत क्या है, कई बार टीचर्स को अपना गृह जिला मिल जाता, नज़दीक मिल जाता, कई बार दूर भी मिल जाता। लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा किया, स्कूलों में जो अनुपात बनाया गया है, चाहे वो टीचर्स प्रिंसिपल वगैरह की कमी हो, तो इसी के साथ ही उन्होंने डीएम बीएम आदि जो जितने भी पोस्ट हैं उनको भी स्कूलों में जाकर पढ़ाने का जो ना निर्णय किया कि वे बीएम स्कूलों में पढ़ाएंगे। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।